हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडी के एक और टॉपिक के बारे में। जैसे कि कोरोना वायरस हमारे इंडिया में बहुत फैला था 2019 में, और 2020 पूरा 2019-20 इसी में निकल गया, और 2021 के भी हाफ मतलब मिड 2021 भी इसी में चला गया, और उसके बाद भी अभी भी ये वायरस है। तो इस वजह से वैक्सीनेशन की भी सबको एहतियात कही जा रही है कि वैक्सीनेशन लगवाई जाए। तो आज का जो टॉपिक है ये जनरल स्टडी से रिलेटेड है। किसी भी कंपटीशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एक व्यूवर ने लॉ क्लर्क ट्रेनी के इंटरव्यू के लिए जनरल स्टडी की बात की है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और दूसरे जो स्टूडेंट कंपटीशन किसी भी तरह का दे रहे हैं, हर तरह के एग्ज़ाम में ये टॉपिक तो ज़रूर पक्का आने वाला है। तो इसलिए इसे ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ के इसके बारे में जाएं। और इसकी वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन के नाम भी पता होना चाहिए, और बाहर की जो भी वैक्सीन है वो भी, WHO की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी पता होना चाहिए, और ये कोरोना वायरस है क्या इसके बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोरोना वायरस डिसीज़ COVID-19 के नाम से भी जिसको कहा जाता है। तो कोरोना वायरस डिसीज़ COVID-19 इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज्ड बाय द SARS और CoV-2 वायरस के द्वारा हुई है ये, ठीक है। मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द वायरस विल एक्सपीरियंस माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड रिकवर विदाउट रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। हाउएवर सम विल बिकम सीरियस इल एंड रिक्वायर मेडिकल अटेंशन। मतलब कुछ लोगों की जो इम्यूनिटी इतनी बूस्ट थी तो वो लोग तो खुद ही रिकवर हो गए, लेकिन कुछ लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ी। यहाँ ये कहा जा रहा है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ। और ओल्डर पीपल एंड दोज विद अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस लाइक कार्डियो वस्कुलर डिसीज, डायबिटीज़, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ और कैंसर आर मोर लाइकली टू डेवलप सीरियस इलनेस। यहाँ ये भी मतलब कोरोना वायरस उनके ऊपर ज़्यादा अटैक किया या ज़्यादा उनको बीमार किया, ये वायरस उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करा या उसे ज़्यादा फिज़िकली और जो है प्रॉब्लम क्रिएट की उस पर्सन की बॉडी में जिसको डायबिटीज़ थी या इस तरह की कार्डियो वस्कुलर डिसीज़ थी या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ थी या कैंसर वगैरह, इस तरह की किसी को जो पहले ही पेशेंट थे इन सब बीमारियों से ग्रस्त थे, तो उन लोगों पर COVID-19 का जो इन्फेक्शन था वो ज़्यादा असर दिखाया या ज़्यादा नुकसान पहुंचाया उस बॉडी को, उस पर्सन को। एनीवन कैन गेट सिक विद COVID-19 एंड बिकम सीरियसली इल और डाई एट एनी एज। और जो इस तरह की बीमारी से परेशान थे पहले ही, जो बीमार थे, तो वो लोग कहीं ऐसे भी थे जो सीरियसली बीमार हुए या मर भी गए या डेथ हो गई, जिसकी वजह से जो किसी भी एज ग्रुप के थे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बुज़ुर्ग लोग थे, किसी भी एज ग्रुप के जो लोग थे उन पर ये असर दिखाई। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंड स्लो डाउन ट्रांसमिशन इज़ टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिसीज़ एंड हाउ द वायरस स्प्रेड्स। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन बाई स्टेइंग एटलीस्ट 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम अदर्स, वेयरिंग ए प्रॉपरली फिटेड मास्क एंड वॉशिंग योर हैंड्स और यूजिंग एन एल्कोहल बेस्ड रब फ्रिक्वेंटली। जो वो होता है हैंड सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करने की बात की जा रही है, और गाइडलाइन भी कही गई, और कम से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, और मास्क जो है फिटेड मास्क पहनना ज़रूरी बताया गया, जो गाइडलाइन इशू की गई थी गवर्नमेंट की ओर से, और हैंड सैनिटाइज़ करने की और धोने की बात कही जा रही है। गेट वैक्सीनेटेड when it's your turn and follow local guidance, और वैक्सीनेशन करवाने की भी बात कही जा रही है, लोकल गाइडेंस वगैरह फॉलो करने की भी बात कही जा रही थी गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है। द वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन्स माउथ और नोज इज इन स्मॉल लिक्विड
पार्टिकल्स जो स्मॉल लिक्विड पार्टिकल्स थे नोज़ और माउथ के द्वारा, वो दूसरे बंदे को इन्फेक्टेड कर रही थी या इन्फेक्शन पहुंचा रही थी। व्हेन दे कफ, स्नीज, स्पीक, सिंग और ब्रीथ, जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी और बोलने में भी परेशानी होने लगी और कफ वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी इसमें, और नज़ला ज़ुकाम की भी मतलब प्रॉब्लम थी, ये इसके सिम्टम थे। ठीक है, दीज पार्टिकल्स रेंज फ्रॉम लार्जर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स टू स्मॉलर एरोसोल्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस रेस्पिरेटरी इटिक्वेट, फॉर एग्जाम्पल बाई कफिंग इन टू ए फ्लेक्स्ड एल्बो, एंड टू स्टे होम एंड सेल्फ आइसोलेट अंटिल यू रिकवर इफ़ यू फील अनवेल। मतलब इसमें जो हमारे गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू किए थे उसमें भी कहा था कि अगर किसी पर्सन को इस तरह के कोई सिम्टम है तो वो जो है क्वारंटीन हो जाए, मतलब जब तक कि वो ठीक ना हो जाए तब तक वो फैमिली मेम्बर्स से अलग रहे, जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं वगैरह, इस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई थी। और अभी भी काफ़ी हद तक इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, वैसे तो इसके बारे में ज़्यादातर जनरली सभी लोग, आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक इंटरव्यू पर्पस से आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो COVID-19 को होने वाले जो इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज्ड हुई, वो उस वायरस का नाम पूछा जा सकता है जो साइंटिफिकल वे में है, जो COVID-19 के नाम से तो है, कोरोना वायरस डिसीज़ के नाम से भी है ये, और इस वायरस का नाम जो है ये SARS-CoV-2 वायरस है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसे अच्छे से याद करके जाएं, मैंने इसे नो कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ये वाला वायरस का जो नाम है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, फिर गाइडलाइंस वगैरह भी पूछ सकते हैं, क्या गाइडलाइंस इशू की गई गवर्नमेंट की ओर से। और फिर हम देख लेते हैं जो वैक्सीनेशन है इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी इशू की, और दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं, रूस की है एक स्पूतनिक करके, और दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग WHO को किस किस ने, मतलब WHO की तरफ से कौन कौन सी वैक्सीनेशन किस किस कंट्री ने इशू की गई, वो हम देख लेते हैं आगे और नॉलेज गेन करने के पर्पस से। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल इन इंडिया या ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड, ठीक है, जो WHO ने लागू की हैं। वैक्सीन्स आर नाउ वाइडली अवेलेबल इन मोस्ट केसेस, यू डू नीड एन अपॉइंटमेंट, डू नॉट वेट फॉर ए स्पेसिफिक ब्रांड, लर्न हाउ टू फाइंड ए COVID-19 वैक्सीन सो यू कैन गेट इट एज सून एज यू कैन। All currently authorized and recommended COVID-19 vaccines are safe, effective and reduce your risk of severe illness. CDC does not recommend one vaccine over another. ठीक है, वैक्सीन ब्रांड नेम है Pfizer Bio and Tech. Who can get this vaccine? 12 years के जो pupil हैं, पीपल 12 ईयर्स एंड ओल्डर, मतलब 12 साल या उससे ज़्यादा जिनकी एज है वो ले सकते हैं, दो बार ली जाएगी ये, गिवन 3 weeks 21 days अपार्ट, ठीक है, वैन फुली वैक्सीनेटेड 2 weeks आफ्टर योर सेकेंड शॉट, एडिशनल डोज रिकमेंडेड फॉर मॉडरेटली टू सिवरली इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पीपल, given 4 weeks after second shot, booster dose recommended for some people who are at higher risk for COVID-19 exposure or severe illness, given 6 or more months after second shot. Vaccine brand second hai Moderna. Who can get this vaccine? People 18 years and older jo hain wo le sakte hain. Number of shot 2 hain, given 4 weeks 28 days apart. When fully vaccinated 2 weeks after your second shot, additional dose उन्हें दी जा सकती है, recommended for moderately to severely
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल जो हैं उनको, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, उन लोगों को गिवन 4 वीक्स आफ्टर सेकेंड शॉट उन्हें एडिशनल डोज दी जा सकती है। बूस्टर डोज नॉट रिकमेंडेड एट दिस टाइम। ठीक है, एडिशनल डोज की बात की जाए लेकिन बूस्टर डोज की बात नहीं की जा रही। वैक्सीन ब्रांड नेम है, थर्ड जॉनसन एंड जॉनसन जेनसिन। ये है वो कैन गेट दिस वैक्सीन, पीपल 18 ईयर्स एंड ओल्डर जो हैं वो ले सकते हैं। नंबर ऑफ शॉट 1 है। व्हेन फुली वैक्सीनेटेड 2 वीक्स आफ्टर योर शॉट। एडिशनल डोज नॉट रिकमेंडेड एट दिस टाइम। बूस्टर डोज भी ये रिकमेंडेड नहीं है। इफ़ यू हैड ए सीवियर एलर्जिक रिएक्शन और एन इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन टू एनी इंग्रेडिएंट इन द वैक्सीन यू आर शेड्यूल्ड टू रिसीव, यू शुड नॉट गेट दैट वैक्सीन इफ़ यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड नॉट टू गेट वन टाइप ऑफ वैक्सीन। COVID-19 वैक्सीन यू मे स्टिल बी एबल टू गेट अनदर टाइप। लर्न मोर इंफॉर्मेशन फॉर पीपल विद एलर्जीज। जिन लोगों को एलर्जीज हैं उन लोगों के लिए पहले नॉलेज गेन करने के बाद कही जा रही है कि पहले अच्छे से एलर्जी के बारे में पता कर ले कौन सी एलर्जी है, फिर उसके बाद डॉक्टर से सलाह लेने के बाद, एडवाइस लेने के बाद तब कोई भी वैक्सीन ले। ठीक है, नेक्स्ट है यू शुड गेट योर सेकेंड शॉट एज क्लोज टू द रिकमेंडेड 3 वीक्स और 4 वीक्स इंटरनल एज पॉसिबल। जो टाइम दिया हुआ है वैक्सीन का जो गैप पीरियड है उसे मतलब गाइडेंस के हिसाब से फॉलो करने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट है एट दिस टाइम CDC डोज डज नॉट हैव ए रिकमेंडेशन फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल टू रिसीव बोथ और ए बूस्टर शॉट एंड एन एडिशनल डोज। बूस्टर शॉट और एडिशनल डोज अभी मना किया जा रहा है। वैक्सीन टाइप जो है किस तरह से काम करेगी वैक्सीन वो देख लेते हैं। वैक्सीन वर्क, लर्न हाउ द बॉडी फाइट्स इन्फेक्शन एंड हाउ COVID-19 वैक्सीन्स प्रोटेक्ट पीपल बाय प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी एज ऑल्सो सी द इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात करती है। ये जो वैक्सीन काम करती है वो इम्यूनिटी बूस्ट करती है या प्रोड्यूस करती है। ऑल्सो सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ COVID-19 वैक्सीन्स दैट करेंटली आर अवेलेबल और आर अंडर गोइंग लार्ज स्केल Phase 3 क्लिनिकल ट्रायल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। COVID-19 mRNA वैक्सीन्स, इंफॉर्मेशन अबाउट mRNA वैक्सीन्स जनरली एंड COVID-19 वैक्सीन्स दैट यूज दिस न्यू टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली। वायरल वेक्टर COVID-19 वैक्सीन्स, इंफॉर्मेशन अबाउट वायरल वेक्टर वैक्सीन्स जनरली एंड COVID-19 वैक्सीन्स दैट यूज दिस न्यू टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली। वैक्सीन इन Phase 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। Phase 3 की भी बात की जा रही है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। ठीक है, अभी ये COVID-19 पर जो है ये मैंने जो WHO की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बताई है। और हाल फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक और कोविड वैक्सीन जो है वो उसके लिए अप्रूवल दिया है। अभी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है वो ऑन वेनेसडे ग्रांटेड इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल फॉर भारत बायोटेक्स COVID-19 वैक्सीन कोवैक्सीन इन ए मूव दैट द फार्मा मेजर सेड इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टॉवर्ड्स एंश्योरिंग वाइडर ग्लोबल एसेस टू द इंडिजीनियसली डेवलप्ड जैब। द अनाउंसमेंट बाय द WHO केम आफ्टर द टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप TAG एन इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमिटी ऑफ द वर्ल्ड बॉडी रिकमेंडेड इमरजेंसी यूज लिस्टिंग EUL स्टेटस फॉर कोवैक्सीन एंड डेज आफ्टर द टैग सॉट एडिशनल क्लेरिफिकेशंस फ्रॉम भारत बायोटेक ऑन October 26 टू कंडक्ट ए फाइनल रिस्क बेनिफिट असेसमेंट ऑफ द वैक्सीन फॉर ग्लोबल यूज। भारत बायोटेक मीन्स वाइल सेट द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ शेल्फ लाइफ ऑफ कोवैक्सीन अप टू 12 मंथ्स तक के लिए ये आपको शेल्फ लाइफ देगी।
फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर जब से हुई है तब तक, 12 मतलब एक साल के अंदर तक इसकी एक्सपायरी डेट है। इट वॉज इनिशियली गिवन परमीशन फॉर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोवैक्सीन विद ए शेल्फ लाइफ ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक के लिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करने की या सेल करने की परमिशन दी जा रही है। 6 मंथ तक आप कर सकते हैं, मतलब जब से वो मैन्युफैक्चर हुई है। विच वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू 9 मंथ्स भी किया जा सकता है। एक कंपनी स्पोक पर्सन टोल्ड PTI, पिटीशन फाइल की होगी उसका जवाब देते हुए बोला इस कंपनी के स्पोक पर्सन ने, थैंकिंग द WHO फॉर ग्रांटिंग द लाइसेंस टू कोवैक्सीन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया सेड द अचीवमेंट। जो ये हेल्थ मिनिस्टर है इनका नाम भी आप अच्छे से याद करके जाएं, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। सेट द अचीवमेंट इज़ ए साइन ऑफ कैपेबल लीडरशिप एंड मोदी जीज रिजॉल्व ए टेल ऑफ पीपल्स ट्रस्ट एंड दिस इज दिवाली ऑफ सेल्फ रिलियंट इंडिया। WHO हैज ग्रांटेड इमरजेंसी यूज लिस्टिंग टू कोवैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। कोवैक्सीन को जिसको भारत बायोटेक ने डेवलप किया, WHO ने उसे ग्रांटेड कर दी, परमिशन दे दी है यूज़ करने की, लाइसेंस अप्रूवल कर दिया है, ग्रांटेड इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग, इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग कर दिया गया है, लिस्ट दी गई है, तब आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेवलप्ड बाई भारत बायोटेक ने जो डेवलप की है कोवैक्सीन, एडिंग टू ए ग्रोइंग पोर्टफोलियो ऑफ वैक्सीन्स वैलिडेटेड बाय WHO फॉर द प्रिवेंशन ऑफ COVID-19, द ग्लोबल हेल्थ बॉडी सेड इन ए ट्वीट। ठीक है, फिर इसके बाद भारत की जो ये वैक्सीन है इसको अप्रूवल मिल गया है, सबसे बड़ी बात ये अभी की मतलब। और इसके लिए जो गाइडलाइन दी गई इन अनदर ट्वीट, इट सेड जो COVID-19 की जो ये वैक्सीन है इसे 18 इयर्स ओल्ड या इससे ऊपर वाली एज वाले ये लोग यूज़ कर सकते हैं या लगवा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लगवाने की एज वगैरह ये दी जा रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपके किसी भी मतलब थोड़ा भी काम आए तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, जिससे कि बेनिफिट हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।